नमस्कार, मैं प्रिया। आज 13 मई खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पटना यूनिवर्सिटी में दाखिला प्रक्रिया इस महीने के अंत तक हो सकती है शुरू। बच्चों की पढ़ाई के लिए शिक्षा विभाग ने नया पोर्टल किया जारी। बिहार पुलिस के कई कांस्टेबल का हुआ तबादला। जाट सुप्रीमो पप्पू यादव को पटना हाईकोर्ट से लगा झटका। 2 से 18 साल के आयु वर्ग के लिए वैक्सीन परीक्षण की सिफारिश हुई शुरू। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बच्चों की पढ़ाई के लिए शिक्षा विभाग ने नया पोर्टल किया जारी। कोविड-19 के माहौल में छात्रों की पढ़ाई सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। इसी बीच शिक्षा विभाग ने छात्रों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए एक नया कदम उठाया है, जिसके तहत बिहार सरकार ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पोर्टल का शुभारंभ कर दिया है। पोर्टल के माध्यम से विद्यालय की सभी किताबें और पूरक वीडियो अब पोर्टल में उपलब्ध होंगे। कक्षा 1 से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा विभाग ने पोर्टल विकसित किया है। पोर्टल का नाम है e-LOTS, यानी कि ई लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स रखा गया है, जिसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बच्चों और शिक्षकों से आह्वान किया है कि इस पोर्टल से लाभ लें। उन्होंने कहा है कि प्रिय बच्चों एवं आदरणीय शिक्षकों, बिहार के विद्यालय की सभी किताबें पूरक वीडियो के साथ अब पोर्टल और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध हैं। इसके साथ ही आप इस वेबसाइट से जाकर भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके तहत आप beepclots.bihar.gov.in पर जा सकते हैं। बिहार में कोविड-19 के मिले 10,000 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर के 9,863 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 99,623 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 260, अरवल में 169, औरंगाबाद में 228, बांका में 113, बेगूसराय में 409, भागलपुर में 204, भोजपुर में 43, बक्सर में 86, दरभंगा में 139, ईस्ट चंपारण में 338, गया में 388, गोपालगंज में 182, जमुई में 141, जहानाबाद में 40, कैमूर में 122, कटिहार में 478, खगड़िया में 281, किशनगंज में 149, लखीसराय में 59, मधेपुरा में 180, मधुबनी में 317, मुंगेर में 276, मुजफ्फरपुर में 506, नालंदा में 523, नवादा में 125, पटना में 977, पूर्णिया में 331, रोहतास में 113, सहरसा में 218, समस्तीपुर में 487, सारण में 343, शेखपुरा में 97, शिवहर में 111, सीतामढ़ी में 142, सिवान में 215, सुपौल में 991, वैशाली में 398, वेस्ट चंपारण में 339 मामले की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही 45 ऐसे मामले सामने आए हैं जो दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। वहीं बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर के 12,265 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं, जिसके बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 5,19,306 पर पहुंच गई है। पटना यूनिवर्सिटी में दाखिला प्रक्रिया इस महीने के अंत तक हो सकती है शुरू। पटना यूनिवर्सिटी में दाखिला प्रक्रिया मई के अंत से शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। लॉकडाउन और शिक्षण संस्थान के बंद होने के कारण पटना यूनिवर्सिटी की दाखिला प्रक्रिया पहले से ही एक महीने देर से चल रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इस साल 10 लाख स्टूडेंट्स ने बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की है। यूनिवर्सिटी के अधिकारियों का कहना है कि यूनिवर्सिटी के वीसी गिरीश चौधरी समेत कई कर्मचारी कोरोना संक्रमित है, इस कारण प्रशासनिक कार्य पूरी तरह से रुका हुआ है। हालांकि अब जल्द ही दाखिला प्रक्रिया शुरू हो सकती है। बिहार में 4 IPS अधिकारी को मिली नई जिम्मेदारी। बीते दिन बिहार के 4 IPS अधिकारी को नई जिम्मेदारी सौंप दी गई है। गृह विभाग की तरफ से मिली अधिसूचना के अनुसार पुलिस उप महानिरीक्षक प्रशासन प्रेमलता को पुलिस उप महानिरीक्षक सह उप महासमादेष्टा होमगार्ड बनाया गया है। नए बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 3 के समादेष्टा सुशील कुमार को BMP 17 बोधगया का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के SP गौरव मंगला को होमगार्ड समादेष्टा पटना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बिहार में 14 मई तक सक्रिय रहेगी प्री मॉनसून। बिहार में मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आ रहा है। 14 मई तक मौसम वैज्ञानिकों की माने तो प्री मॉनसून की सक्रियता देखने को मिल रही है। इसकी वजह से आगामी 48 घंटे तक यूं तो पूरे प्रदेश का, विशेष रूप से उत्तर पूर्वी बिहार में, उच्चतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाने के आसार है। IMD पटना की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक प्रदेश में प्री मॉनसून की गतिविधियां 14 मई तक और चरम पर पहुंचेगी। इस दौरान न केवल मेघ गर्जन बल्कि हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की आशंका है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो प्रदेश में इन दिनों कई मौसमी सिस्टम काम कर रहे हैं। बिहार इन दिनों न केवल निम्न दबाव का केंद्र बना हुआ है, बल्कि बंगाल की खाड़ी में हो रही मौसमी बदलाव में भी प्रभावित हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है। फिलहाल अप्रैल और मई में अब तक प्री मॉनसून गतिविधियां कम से कम पिछले 10 सालों में नहीं देखी गई हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी लोगों से हौसला और धैर्य बनाए रखने की कही बात। कोविड 19 के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी आम नागरिकों को उम्मीद रखने की सलाह दी है, जिसके तहत सीएम नीतीश ने ट्वीट कर लिखा है, कोरोना महामारी से राहत पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जांच बढ़ी और आधारभूत संरचना की व्यवस्था की गई है। पिछले साल की तरह इस बार भी दृढ़ इच्छा शक्ति, सकारात्मक सोच और साथ ही साथ बिहारवासी कोरोना के खिलाफ इस जंग में सफल होंगे, हौसला और धैर्य बनाए रखे। वहीं कोविड 19 के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए जानकारों की माने तो इसी तरह लोग कोविड 19 गाइडलाइन का पालन करते रहे और सरकारी प्रयास निरंतर जारी रहा तो कोरोना संक्रमण की चेन टूटेगी और हम सभी कोरोना को हराने में सफल होंगे। गांव की गलियों का होगा अब सैनिटाइजेशन। गांव की गलियों का सैनिटाइजेशन करने की तैयारी हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार कोविड 19 के मामले गांव में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि कोरोना महामारी का संक्रमण तीव्र गति से पंचायतों में बढ़ने के कारण बचाव हेतु सोडियम क्लोराइड से पंचायत में उपलब्ध 15वें वित्त आयोग के अनटाइड अनुदान से सैनिटाइजेशन कराया जाना प्रभावकारी कदम होगा। इसके साथ ही उन्होंने पंचायत सचिव की अपनी देखरेख में ग्रामीण क्षेत्र के धार्मिक स्थल, सामुदायिक भवन, पंचायत सरकार भवन, हाट बाजार एवं भीड़भाड़ भरे क्षेत्र को चिन्हित कर व्यापक पैमाने पर सैनिटाइजेशन करने का सख्त निर्देश दिया गया है। बिहार पुलिस के कई इंस्पेक्टर का हुआ तबादला। बिहार पुलिस के लगभग 10 इंस्पेक्टरों का तबादला बीते दिन कर दिया गया है। इसके साथ ही 63 और अधिकारियों के बारे में फैसला लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार इन सभी अधिकारियों ने खुद ही तबादले का आवेदन दिया था। ज्यादातर अधिकारियों का आवेदन अलग अलग वजहों से अस्वीकृत कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से सूचना जारी कर सभी आवेदनों के स्वीकृति का ब्यौरा और अस्वीकृत करने की वजह भी बताई गई है। वहीं कुछ पुलिस अधिकारियों को आश्वासन दिया गया है कि अगली बार मौका मिलने पर उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा। कुछ पुलिस अधिकारियों के आवेदन को उनके इच्छा वाले विभाग में प्रक्रिया के लिए भेज दिया गया है। बक्सर जिले के गंगा नदी में मिले शवों पर पटना हाईकोर्ट ने सरकार से किया जवाब तलब। बक्सर जिले में गंगा नदी में बहकर आए शवों ने बिहार सरकार पर भी सवाल उठा दिया है, जिसके तहत पटना हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर बिहार सरकार से जवाब तलब किया है, जिसके तहत चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए बक्सर के चौसा में गंगा नदी में पाए गए शवों के संबंध में राज्य सरकार से जवाब की मांग की है। इसके साथ ही बीते दिन राज्य सरकार की तरफ से एक विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई है। राज्य सरकार ने कोरोना को रोकने और मरीजों के इलाज के लिए हो रही कार्रवाई का ब्यौरा दिया है। केंद्र सरकार ने राज्य को और भी ऑक्सीजन उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद आज सुनवाई एक बार फिर से होने वाली है। पुणे से बिहार के लिए चलेगी समर स्पेशल ट्रेन। पुणे से बिहार के लिए समर स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी हो रही है, जिसके तहत गाड़ी संख्या 01332 दानापुर से 15 और 18 मई को 23:30 पर चलेगी। गाड़ी संख्या 01333 पुणे से 13 और 20 मई को सुबह 10 बजे और गाड़ी संख्या 01334 दरभंगा से 15 और 22 मई को 3:45 पर खुलेगी। वहीं गाड़ी संख्या 01335 पुणे से 16 मई को सुबह 10 बजे और गाड़ी संख्या 01336 भागलपुर से 18 मई को 3 बजे खुलेगी। इन ट्रेनों में कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाएगा, साथ ही इन ट्रेनों में सभी सीटें आरक्षित होंगी। इसके साथ ही गाड़ी संख्या 01361 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, गाड़ी संख्या 01363 छत्रपति शिवाजी महाराज ट्रेनों का परिचालन भी करवाया जाएगा। प्रत्यामृत को मिली प्रोन्नति। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को बीते दिन प्रोन्नति दे दी गई है, जिसके तहत सरकार ने उन्हें अपर मुख्य सचिव में प्रोन्नत किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें 1991 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रत्यामृत जो वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव और आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव के अतिरिक्त प्रभार में है, उन्हें प्रभार ग्रहण की तारीख से प्रोन्नत करते हुए अपर मुख्य सचिव के रूप में पदनामित किया गया है। 2 से 18 साल के आयु वर्ग के लिए वैक्सीन परीक्षण की सिफारिश हुई शुरू। बिहार में कोविड 19 के मामलों को देखते हुए वैक्सीन की प्रक्रिया को जोर शोर से करने पर जोर दिया जा रहा है। वैक्सीन देने की प्रक्रिया के बीच 2 साल से लेकर के 18 साल के युवाओं को भी वैक्सीन देने की तैयारी पर सोच विचार चल रहा है। इसको लेकर कोवैक्सीन के परीक्षण की सिफारिश की गई है, जिसके तहत विशेषज्ञ समिति ने 2 से 18 साल के आयु वर्ग के लिए भारत बायोटेक के कोविड 19 टीके कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के लिए परीक्षण की सिफारिश की है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि यह परीक्षण दिल्ली एवं पटना के एम्स और नागपुर स्थित मेडिट्रिना चिकित्सा विज्ञान संस्थान समेत विभिन्न संस्थानों पर किया जाएगा। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को पटना हाईकोर्ट से लगा झटका। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव को पटना हाईकोर्ट से बीते दिन करारा झटका लगा है। आपको बता दें कुमारखंड थाना में दर्ज अपहरण के एक मामले में मंगलवार को पूर्व सांसद को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मधेपुरा कोर्ट में वर्चुअल पेशी के बाद रात करीब 12:45 पर पूर्व सांसद को वीरपुर जेल लाया गया, जिसके बाद बेल के लिए हाईकोर्ट में शीघ्र सुनवाई के लिए याचिका दायर की गई थी, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद पप्पू यादव की याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने का अनुरोध को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई के लिए याचिका दायर की गई थी। पप्पू यादव के वकील ने इस मामले पर शीघ्र सुनवाई की प्रार्थना की, जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया।
3 लाख कार्ड धारकों को ही मिला मुफ्त में अनाज। कोविड 19 के माहौल में पीडीएस दुकानदारों के एक संगठन के द्वारा हड़ताल करने के बावजूद केवल 3 लाख कार्ड धारकों को ही मुफ्त में अनाज मिला। मेरी जानकारी के अनुसार इस संगठन ने मांग की थी कि कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न हालात में पॉश मशीन का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए, लेकिन सरकार ने बिना राशन कार्ड धारकों की पहचान के अनाज बांटने से मना कर दिया, जिसके बाद प्रतिष्ठित पोर्टल ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव विनय कुमार ने कहा है कि राशन कार्ड धारकों से कोई भी पीडीएस दुकानदार भुगतान ना ले, इसको लेकर सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दे दिए गए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि औचक निरीक्षण के साथ साथ धावा दल भी बनाया गया है जो पीडीएस दुकानों के वितरण के दौरान जांच करेगा। हालांकि अभी तक किसी तरह की शिकायत नहीं आई है, लेकिन अगले 2 महीने तक यह दल कार्य करता रहेगा। पूर्व कृषि मंत्री रामविचार राय ने दुनिया को कहा अलविदा। कोविड 19 ने अपने साथ कई जिंदगियों को छीनने का काम किया है। वहीं इस बीच पूर्व कृषि मंत्री रामविचार राय ने भी बीते दिन दुनिया को अलविदा कह दिया है। मिली जानकारी के अनुसार वो कई दिनों से कोविड 19 पॉजिटिव थे और उनका इलाज अस्पताल में चल रहा था। पूर्व कृषि मंत्री और राजद नेता रामविचार राय के गुजर जाने पर सीएम नीतीश कुमार, राजद अध्यक्ष लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित कई दलों के नेताओं ने शोक व्यक्त किया है, जिसके तहत तेजस्वी यादव ने लिखा कि पूर्व मंत्री और राजद के वरिष्ठ नेता रामविचार राय जी का कोरोना संक्रमण के कारण हुए निधन से मर्माहत हो, जिसके बाद खबरों की माने तो पूर्व कृषि मंत्री रामविचार राय का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। पटना एम्स में पहुंचा ब्लैक फंगस। अब तक भारत के कई राज्यों में मिले ब्लैक फंगस ने बिहार में भी दस्तक दे दी है, जिसके तहत पटना एम्स में ब्लैक फंगस लक्षण के मरीज मिलने की खबर सामने आई है। एम्स के कोविड नोडल पदाधिकारी ने यह जानकारी दी है। पटना एम्स के अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि ब्लैक फंगस ऐसे मरीजों को होता है जो हाई डायबिटीज के शिकार होते हैं और उन्हें कोरोना का इलाज चलता रहता है। कोरोना के इलाज के दौरान स्टेरॉइड का हाई डोज उन्हें महंगा पड़ता है और ब्लैक फंगस के शिकार हो जाते हैं। एम्स के डॉक्टरों की माने तो कोरोना काल में संक्रमण के कारण अचानक से ऐसे मामले बढ़े हैं। इसमें शुगर हाई होना, स्टेरॉइड का हाई डोज देना, बिना एक्सपर्ट की निगरानी के डेक्सोना जैसे स्टेरॉइड की हाई डोज देना बड़ा कारण बन सकता है। सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दी नसीहत। बिहार में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को जोर शोर से किया जा रहा है। इस बीच राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नसीहत देते हुए कहा कि बिहारियों को कोरोना वैक्सीन देने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और भारतीय वैक्सीन कंपनियों पर निर्भर मत रहिए, विदेशों से वैक्सीन मंगवाने की तैयारी करिए। उन्होंने आगे कहा है कि देश के कई दूसरे राज्यों ने विदेश से वैक्सीन मंगवाने की कोशिश शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे कई राज्यों ने कोरोना वैक्सीन के सीधे आयात की संभावना पर विचार के लिए स्तरीय समिति बनाई है। मंगल पांडे ने सूबे में ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने का किया आग्रह। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने हाल ही में बिहार में ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने का आग्रह किया है, जिसके तहत बीते दिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ हुई वर्चुअल बैठक में राज्य को आवंटित 214 एमटी ऑक्सीजन के कोटा को बढ़ाने का आग्रह किया है। साथ ही डी एवं बी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन फ्लो मीटर, ऑक्सीजन मास्क आदि की मांग भारत सरकार से की है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार के प्रयासों और लोगों के सहयोग एवं जागरूकता से स्वास्थ्य विभाग कोरोना को मात देने की दिशा में सफल हो रहा है। इस कारण एक ओर राज्य में जहां संक्रमण दर कम हो रहा है, वहीं रिकवरी रेट में भी लगातार इजाफा हो रहा है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के कई प्रमंडलों में मनोनीत किए गए मीडिया प्रभारी। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने कई प्रमंडलों में मीडिया प्रभारी मनोनीत कर दिए हैं, जिसके तहत संघ के अध्यक्ष केदारनाथ पांडे ने सारण प्रमंडल के मीडिया प्रभारी प्रकाश कुमार सिंह, तिरहुत प्रमंडल के मीडिया प्रभारी डॉक्टर रवीश कुमार, भागलपुर प्रमंडल के मीडिया प्रभारी डॉक्टर रविशंकर, पूर्णिया के नागमणि रजक और दरभंगा के मीडिया प्रभारी नीलेश कुमार को मनोनीत किया गया है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि आप सभी को सारण, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया एवं दरभंगा प्रमंडल को मीडिया प्रभारी के रूप में मनोनीत किया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, शिक्षक एवं संगठन चुनौतियों के बीच आप सबको अपने प्रमंडल में राज्य संघ के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए संघीय दायित्व के निर्वहन की महती जिम्मेदारी दी गई है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी को राजद ने बताया साजिश। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव को 32 साल पुराने मामले में गिरफ्तार कर उन्हें 14 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है, जिसके बाद विपक्ष की तरफ से लगातार बयानबाजी का सिलसिला जारी है। इसी बीच राजद ने इस पूरी प्रक्रिया को साजिश बताया है। राजद प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक चंद्रशेखर और प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पप्पू यादव को सरकार की गोद में खेलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव और नीतीश कुमार नूरा कुश्ती कर रहे हैं। पप्पू खुद गिरफ्तार हुए हैं ताकि लोगों को सहानुभूति मिल सके। इसमें सरकार और पप्पू यादव की मिलीभगत है। पूर्व का चरित्र कैसा है ये किसी से छुपा नहीं है। सांसद ललन सिंह को खोजने पर मुंगेर में हुए इनाम की घोषणा पर ललन सिंह ने दी अपनी प्रतिक्रिया।
नीतीश कुमार के खास सिपाह सलार सांसद ललन सिंह अपने क्षेत्र में फंस गए हैं। क्षेत्र में एक नेता ने ललन सिंह को खोज कर लेने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, जारी हुए एक पोस्टर में उनसे पूछा गया था कि एमपी साहब किस बिल में छिपे हैं, जिसको देखने के बाद ललन सिंह ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने अपना वीडियो मैसेज जारी किया है और टुच्चे लोगों के खिलाफ आरोप लगाने की बात कही है। वो घर में रहकर भी लोगों की सेवा करने में लगे हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि उनके बाहर निकलने से कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा होगा, लेकिन मैं अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार काम कर रहा हूं। केंद्रीय मंत्री ने स्वास्थ्य मंत्रियों की बुलाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक बुलाए जाने की बात कही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली इस मीटिंग में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा कोरोना को लेकर राज्यों के मौजूदा हालात और उनके नियंत्रण पर जानकारी हासिल की जाएगी। बताया जा रहा है केंद्रीय मंत्री के द्वारा बिगड़ते हालात वाले कुछ राज्यों के लिए नए सिरे से नए निर्देश जारी किए जा सकते हैं। आपको बता दें, बिहार में वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया गया है, जिसके बाद परिणाम काफी सराहनीय आने शुरू हो गए हैं। नए मरीजों की संख्या में कमी आने के साथ ही महामारी के रिकवरी रेट में भी भारी सुधार हुआ है। माना जा रहा है कि इन्हीं सुखद खबरों के बीच केंद्रीय मंत्री ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक बुलाई है। सोशल मीडिया पर पप्पू यादव के बेटे ने संभाला मोर्चा। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव को 32 साल पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद उनकी पत्नी का गुस्सा भी लगातार देखने को मिल रहा था। इतना ही नहीं, उन्होंने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुली चुनौती तक दे दी थी, जिसके बाद पप्पू यादव के बेटे ने सोशल मीडिया पर मोर्चा संभाल लिया है। जब सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद उनके बेटे सार्थक रंजन पहली बार सोशल मीडिया पर लाइव आए। उन्होंने इस दौरान बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सार्थक ने कहा कि पप्पू यादव हमेशा दूसरे के लिए जीते हैं, लेकिन अब लोगों की जरूरत उन्हें पड़ती है तो वो अकेले पड़ जाते हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि सभी लोग इस मुश्किल क्षण में साथ आए। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। दिल्ली में लाल किले का निर्माण 1648 में आज के दिन पूरा हुआ था। भारत ने 1918 में राजस्थान के पोखरण में 2 परमाणु परीक्षण आज के दिन किए। स्वतंत्र भारत की पहली संसद का सत्र 1952 में आज के दिन शुरू हुआ। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 में देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। देश का पहला ध्वजवाहक जहाज 1978 में INS दिल्ली सेवामुक्त हुआ था। भारत मिस इंडिया लारा दत्ता ने 2000 में मिस यूनिवर्स का खिताब आज के दिन जीता। भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का जन्म 1905 में आज के दिन हुआ। भारत के प्रसिद्ध संत और संत निरंकारी मिशन के आध्यात्मिक गुरु बाबा हरदेव सिंह ने दुनिया को अलविदा साल में 2016 में आज के दिन कहा था। राहुल द्रविड़ ने भारतीय टीम को मजबूत बनाने की कही बात। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कोच क्रेग चैपल ने राहुल द्रविड़ को लेकर अहम बात कही है। विराट कोहली की अगुवाई में इस वक्त तीनों फॉर्मेट में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कोच क्रेग चैपल का मानना है कि ये सब राहुल गांधी की मेहनत की वजह से हुआ है। साथ ही चैपल ने कहा कि राहुल द्रविड़ ने ऑस्ट्रेलियाई दिमाग पढ़कर ठोस घरेलू ढांचा तैयार किया है। चैपल ने कहा कि इस ढांचे की कमी अब ऑस्ट्रेलिया को ही खल रही है। चैपल ने cricket.com.au से बातचीत के दौरान भारत ने युवा टैलेंट की पहचान में ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ने की बात कही है। चैपल ने इंग्लैंड को भी ऑस्ट्रेलिया से आगे बताया है। चैपल ने कहा कि भारत ने सफलता हासिल की और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राहुल द्रविड़ ने हमेशा हमसे सीखा है। उन्होंने देखा कि हम क्या कर रहे हैं और भारत में उसे दोहराया और उनके पास अधिक विकल्प भी है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है प्रिंस राज, असलम राज, सिंधु कुमारी, शंकर मुखिया, पटेल, युवा, शंभू शर्मा, दीपक कुमार, सुजीत कुमार, सरोज सिंह, अवधेश शर्मा, सलीम भाई, मिथिलेश कुमार, बबलू कुमार, नीरज पासवान, देवेंद्र प्रसाद सिंह, प्रदीप गुप्ता, निहल जी के। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार बिहार में COVID-19 के मामलों में लगातार कमी देखने के बाद 15 मई के बाद लॉकडाउन हटा देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।